नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। ईपीएफओ एसएससी की एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है और आप लोग की तैयारी अभी भी अधूरी है, ये बात मुझे पता है। अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि सर एग्जाम डेट कब आएगी, तो मैं आपको एक संभावित यहाँ पे एग्जाम डेट बताने आया हूँ। लेकिन एक बात आपके लिए डराने वाली ये है कि ये क्योंकि पेपर एनटीए करा रहा है, ये ज़्यादा समय देता नहीं है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हमें बाकी अब आगे की तैयारी करनी है, क्या संभावित डेट होने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कैसे एनटीए आपके एग्जाम करा रहा है ये हम लोग देखते हैं कि पिछले जो कुछ एग्जाम इसने कंडक्ट कराया है। जैसे एनटीए ने अभी जेएनयू का पेपर कंडक्ट कराया है जो 26-27 मतलब कि इसी इन बिटवीन एक दो दिन में हुआ है, जिसका एप्लीकेशन 20 फरवरी को स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट उसका 17-3 था। एग्जाम डेट देख लो 26-27 अप्रैल, मतलब कि अगर इस 17 मार्च से लेके 17 अप्रैल का देखा जाए तो मुश्किल से एक महीने एग्जाम के फॉर्म के लास्ट डेट से मुश्किल से एक महीना समय दे रहा है, या अगर शुरू से देखा जाए तो मुश्किल से 2 महीना बोल सकते हैं, 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं दे रहा है। यही अगर हम और भी देखें, सुप्रीम कोर्ट जेसीए का एक पेपर एनटीए ने करवाया था अभी जल्दी में ही, 18/6/2022 में इसका क्या आया था, फॉर्म आया था, और 10/7 इसकी लास्ट डेट थी, और 10/7 मतलब 10 जुलाई, अगस्त छोड़ के सितंबर, फिर भी एक ऐसा एग्जाम था जिसमें उसने 2 महीने लिया था या फॉर्म भरने से लेके 3 महीने का समय लिया था। बट फिर भी ये मैक्सिमम क्या करता है, 2 महीने के अंदर या 3 महीने के, 3 महीना पूरा नहीं होता ये एग्जाम कंडक्ट करा लेता है। ऐसे ही देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया था जो 30/10/2022 में आया था, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें लास्ट डेट जो इसकी थी ये 13/11/2022 मतलब 1 महीना, और एग्जाम डेट भी 4 से 12 दिसंबर, यहाँ पे अलग अलग क्योंकि ग्रुप सी की अलग थी, ग्रुप डी की अलग थी, स्टेनो की अलग थी, इस कारण से अलग अलग शिफ्टों में था। बट फिर भी ये 4 से 12 दिसंबर बोल सकते हो कि इन बिटवीन इसका क्या हो गया था, पेपर हो गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से भी अगर समय देखा जाए तो मुश्किल से 1 मंथ का ही समय दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि एनटीए जो है वो मैक्सिमम जो समय दे रही है एग्जाम भरने के लास्ट डेट से, वो बहुत ज़्यादा अगर समय हो जाएगा तो 2 महीना हो जाएगा, बट 2 महीना किसी समय पे जाता नहीं है, उसका 2 महीने के अंदर ही हो जाता है। मतलब अगर आपके पेपर का डेट बोला जाए तो 26 मई के बाद कभी भी हो सकता है। अगर ये मैक्सिमम गया तो 26 जून या ऐसा बोल सकते हो कि जून के लास्ट वीक में, कि पहले पहले ये हो जाएगा। कब होगा ये आपको जल्दी ही सूचना भी मिल जाएगी और जल्द ही आपका ये एग्जाम डेट के बारे में यहाँ पे नोटिस भी आ जाएगी, एनटीए की वेबसाइट पे भी आ जाएगी, ईपीएफओ की वेबसाइट पे भी आ जाएगी। तो ईपीएफओ एसएससी स्टेनो की जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको इतना बता दूं क्योंकि पैटर्न पहली बार बदला है, बहुत ज़्यादा समय आपको दिया नहीं जा रहा है, आपको तैयारी बहुत स्मार्ट तरीके से करनी होगी, बहुत अच्छे से करनी होगी। और एक बात और मैं बता दूं कि अभी जेएनयू का जो पेपर हुआ है मल्टीपल पोस्ट के लिए, उसमें पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। मतलब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी या ए बी दोनों सही है, ए बी सी तीनों सही है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट भले ही आ रही है, थोड़ा इजी टू मॉडरेट आ रही है, या लैंग्वेज पार्ट बोल लो हिंदी इंग्लिश, क्योंकि आप में हिंदी तो है ही नहीं, केवल इंग्लिश है, तो इंग्लिश हो सकता है आप में थोड़ा सा इजी या मॉडरेट देखने को मिले, बट आपको जीएस में थोड़ा बहुत दिमाग खपाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फैक्ट टफ पूछ रहा है, बट ऑप्शंस को बहुत ये मल्टीपल एकदम नए पैटर्न पे रख रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ऐसा एक दो क्वेश्चन देखने को मिला था, अब उसके रूल पे ज्यादा जा रहा है, तो आपको तैयारी भी उस लेवल पे करनी होगी, बहुत स्मार्ट तरीके से करनी होगी। तो एक तरफ आपको अपना क्लास अच्छे से करते रहिए, एक तरफ अपनी तैयारी करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, दूसरी तरफ प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से शुरुआत कर दीजिए और इसके टेस्ट भी लगाना शुरू कर दीजिए। टीम परीक्षा प्लस जल्दी इसके लिए आपके टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देगी, साथ में ही आपके जो क्लासेस इसकी चल रही हैं वो क्लास आप कवर करते रहिए। मैं एक वीडियो जो इसकी स्ट्रेटजी है कैसे हम लोग इसकी तैयारी करें, उसके अब करीबन 2-3 सप्ताह पहले ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप देख लोगे तो आइडिया लग जाएगा आपको कैसे तैयार करना है, किस प्रकार से तैयार करना है। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप देख सकते हो। बाकी अगर अपनी तैयारी जारी रख सकते हो, टीम परीक्षा प्लस के द्वारा जो कोर्स चलाया जा रहा है ईपीएफओ एसएससी का, बहुत ही कम प्राइस में 599 में चलाया जा रहा है, आप वहां से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को आगे रख सकते हो, या सेल्फ स्टडी कर लो तो वहां से भी कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।